गणेश उत्सव को लेकर चारों ओर विघ्नहर्ता की प्रतिमा की स्थापना कर पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं आज हम बात करेंगे बेमेतरा जिले के ऐतिहासिक पुरातन धरोहर नवागढ़ के श्री सिद्ध गणेश मंदिर की, जो प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में विशेष स्थान रखती है। ये धरोहर बेमेतरा जिले की अलग पहचान बनाती है। श्री सिद्ध गणेश मंदिर की स्थापना कई वर्ष पहले तांत्रिक विधा से की गई थी। इस सिद्ध मंदिर के अग्रभाग में शमी वृक्ष देवतुल्य विराजित हैं। आपको बता दें कि श्री गणेश की पूजा के बाद शमी पत्र को प्राप्त कर भक्त खुद को धन्य मानते हैं। नवागढ़ के सिद्ध गणेश मंदिर के इतिहास की बात करें तो ये मंदिर सन 704 में नवागढ़ रियासत के राजा नरबर साय ने श्री गणेश की मूर्ति स्थापित की थी। मंदिर परिसर में अष्टकोणीय कुआं, विशाल काय पत्थरों के लेख पुरातन विधा और गौरवशाली इतिहास के साक्षी हैं। बता दें कि मंदिर के आसपास के खुदाई से अनेकों बेस कीमती मूर्तियां भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही नवागढ़ में हनुमान मंदिर, शारदा मंदिर, महामाया मंदिर, शनि मंदिर और मिट्टी का किला भी है, लेकिन समय के साथ मिट्टी का किला ढह चुका है। और यहाँ के तत्कालीन राजा नरवर साय ने सन 704 में तांत्रिक विधि से इस गणेश मंदिर की मूर्ति की उन्होंने स्थापना कराई थी। गणेश का जो मंदिर का निर्माण था, तत्कालीन परिस्थितियों का अपन आकलन करें तो अष्ट जो कोण में मूर्ति का मंदिर का निर्माण है, कुएं बावली का निर्माण है, इससे सिद्ध होता है कि उस समय के काल और परिस्थिति के हिसाब से उन लोगों ने निर्माण कार्य कराए। मौजूदा समय में सिर्फ हम इतना कह सकते हैं कि सन 705 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, या निर्माण कभी भी हुआ होगा, लेकिन प्रतिमा की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा सन 705 में, अर्थात आज से 1300 वर्ष पहले नवागढ़ में ये मंदिर था। और इस मंदिर का जीर्णोद्धार भोसला के प्रतिनिधि रघुजी भोसले के द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया।